हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ ज्योत्सना। उड़ीसा किचन ज्योत्सना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आटे और पनीर का एक नया ब्रेकफास्ट। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को फास्ट से लास्ट जरूर देखिए। सो यहाँ पर ली हूँ मैं एक बाउल में 3 कप आटे। तो चलिए फिर उसे थोड़ा सा नमक दे के उसका एक डो बना लेते हैं। देखिए इस तरह से मैं डो बना ली हूँ, उसे थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। सो यहाँ पर देखिए गाइस, एक बाउल ले ली हूँ, उसमें मैं 3 चम्मच मैदा लूँगी। देखिए 3 चम्मच मैदा लेना है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर लेना है गाइस। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक पतला सा बैटर बनाएंगे हम। इस तरह का बटर बना ली हूँ मैं, उसे भी रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैं 500 ग्राम पनीर ली हूँ। देखिए इस तरह से मैं कट कर लूँगी। पनीर का भुजिया बनाने के लिए मैं एक बड़ा सा अनियन ली हूँ बारीक कट करके। लहसुन अदरक को मैं कद्दूकस कर ली हूँ। यहाँ पर करी पत्ता ली हूँ बारीक कट करके, धनिया पत्ते और हरी मिर्च ली हूँ और एक छोटा सा टमाटर ली हूँ बारीक कट करके। तो यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ गाइस, देखिए उसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल ली हूँ। उसके बाद ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच जीरे। जीरा थोड़ा सा भून जाए तभी मैं डाल ली हूँ यहाँ पर। देखिए जो मैंने बारीक कट कर रखे थे एक बड़ा सा अनियन को, उसको मैं डालती हूँ, अच्छे से मिक्स कर दूंगी ऑयल में। अनियन थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं डालती हूँ यहाँ पर देखिए हरी मिर्च और जो हमने कद्दूकस करके कूट के रखी थी लहसुन और अदरक को भी डाल दी हूँ मैं, उसे वजह से मिक्स कर दूंगी। देखिए इस तरह से मिक्स कर दे रही हूँ मैं। उसका कच्चापन थोड़ा हट जाए तो मैं डालूंगी यहाँ पर जो बारीक कट करके रखे थे करी पत्ता भी डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी अच्छे से। जो टमाटर को मैं कट करके रखे थे उसे भी मैं डाल दूंगी और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी गाइस। उसके बाद 1/2 चम्मच करीबन रेड चिली पाउडर डाली हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक डालना है हमें और सबको अच्छे से मिक्स कर देना है गाइस। मिक्स करके थोड़ा सा ढक के हम पका लेते हैं। जो हमने पनीर ली थी उसको ऐसे हाथों में निचोड़ देना है, नहीं तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। देखिए मैं हाथों में ऐसे प्रेस करके से मतलब मिक्स कर दी हूँ अच्छे से। उसे अभी हमने जो मसाले बनाए थे उसमें डाल देना है पनीर को और अच्छे से मिक्स कर देना है गाइस। देखिए इस तरह से मिक्स कर देना है। इसमें थोड़ा सा जीरे पाउडर और धनिया पाउडर 1/2 चम्मच दोनों में मिली हूँ, अच्छे से मिक्स कर दूंगी थोड़ा सा पानी डाल के, अच्छे से मिक्स कर दूँ। देखिए और थोड़ा सा ढक के 1 मिनट करीब ढक लेना है ताकि मसाले सब अच्छे से मिक्स हो जाए। एक मिनट के बाद देखिए एक्स्ट्रा पानी जो हमने डाली थी वो भी सूख गया है और अच्छे से मिक्स हो गए हैं मसाले सब, अच्छे से पनीर में रेडी हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर धनिया पत्ते कुछ बारीक करके डाली हूँ, मिक्स कर दूँगी अच्छे से और बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए जो हमने पनीर का भुजिया बनाई थी। सो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं कढ़ाई ले ली हूँ। कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं डाल दूँगी यहाँ पर रिफाइंड का ऑयल।
और थोड़ा गर्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो हमने रखे थे आटा को गूंद कर, वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, रेस्ट होने के लिए जो छोड़े थे हमने। तो यहाँ पर रोटी बनाने के लिए हमने मैदा का यूज़ किया हूँ। तो देखिए इस तरह का हमें बेलना है, रोटी टाइप का बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं कि ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ऐसे बड़ा सा रोटी बनाना है हमें। देखिए इस तरह का रोटी बना ली हूँ मैं बड़ा सा। और यहाँ पर शेप देने के लिए मैंने एक ग्लास का यूज किया हूँ, ये बड़ा सा ग्लास का यूज किया हूँ देखिए। और इस तरह से ऊपर से ऐसे प्रेस करके कटिंग कर देना है, ताकि अच्छे से एक शेप बनाना है हमें, राउंड शेप का, कचौड़ी टाइप दिखना है। तो चलिए कैसे बनाती हूँ देखिए। इस तरह का दो कट कर लेना है ग्लास में। देखिए यहाँ पर मैं एक बना के आपको दिखाती हूँ। जो हमने दो बनाई थी उसको एक हाथों में लेना है, और जो स्टफिंग हमने पनीर का बनाई है उसको एक चम्मच लेना है गाइस, और बीच में से मतलब रख देना है वो स्टफिंग को। और जो बैटर हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर का बनाई थी उसको चारों तरफ ऐसे लगा देना है। देखिए इस तरह से मैं लगा दे रही हूँ अच्छे से, और ऊपर से और जो छोटा वाला रोटी है उसको मैं डाल दूँगी, ताकि अच्छे से चिपक जाए, तलने के बाद ना खुले, इसलिए इसे प्रेस करके थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दे रही हूँ मैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए अच्छे से रेडी हो गई है इस तरह से देखिए। अभी हम जो बैटर बनाई थी उसमें डुबा के ऐसे तल देना है। ऑयल भी गर्म हो चुकी है गाइस, ऑयल हमें गर्म होने के लिए जो छोड़े थे वो भी गर्म हो चुके हैं देखिए। अभी इसे डुबा के बैटर में ऐसे ऑयल में छोड़ देना है। गैस की फ्लेम को हाई मोड में नहीं रखना है गाइस, गैस की फ्लेम को मीडियम में रखना है, नहीं तो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। धीमे मतलब मीडियम में इसे पकाना है हमको। देखिए दोनों साइड ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून देना है। पहला वाला थोड़ा सा मेरा टूट गया था बीच में से, लेकिन अच्छी हो गई है देखिए। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी कलर आई है, सच में कचौड़ी टाइप का दिख रहा है। तो एक बर्तन में पेपर डाल के मैं रख रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। फिर से आपको मैं एक बना के दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से बैटर हमें बीच में डाल देना है, और फिर से चारों तरफ ऐसे लगा देना है जो बैटर हमने बनाई है। देखिए इस तरह से लगा देना है बैटर को। और जो छोटा वाला रोटी है फिर से हम ऊपर से ऐसे प्रेस करके दबा देंगे, और चारों तरफ ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। और फिर से जो बैटर में डुबा के इसे धीरे से डुबा के फिर ऑयल में छोड़ देना है, और गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड भुनना है हमें। तो ये देखिए गाइस कितनी अच्छे से रेडी हो चुकी है हमारी जो कचौड़ी टाइप का, पूरी तरी से दिख रही है देखिए कचौड़ी टाइप का। तो इतने से आटे और पनीर में देखिए कितना सारा ब्रेकफास्ट बन गया है। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करिए। कितनी फुली फुली पूरी तरीके से देखिए कचौड़ी टाइप का ही दिख रहा है। अभी आपको मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ, देखिए कितनी अच्छे से बनी है फुला फुला। सो गाइस यहाँ पर मैं एक कट करके भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए कट करके दिखा देती हूँ आपको कितनी अच्छे से देखिए कलरफुल दिख रहे हैं अंदर से, जितनी अच्छी लग रही है उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।